मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कांट रोड पर आज एक सेंट्रो कार आग के गोले में बदल गई। सिविल लाइन के व्यस्तम रहने वाले पीएससी तिराहे पर वर्निंग कार को देखकर राहगीर जहां के तहां रुक गए और एक साइड का पूरा ट्रैफिक भी बंद हो गया। पहली नज़र में इस वर्निंग कार को देखने में लग रहा था शायद इंजन के पास शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है, क्योंकि गाड़ी के अगले हिस्से में तेजी के साथ लपटें निकलने शुरू हो गई थी जो देखते ही देखते बढ़ती चली गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी थी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उस समय तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर एक ढांचे में बदल चुकी थी। गाड़ी में आग लगने का जो मामला था, यहाँ से सूचना मिली हमें फायर ब्रिगेड पर, सूचना मिलते ही हम चले आए यहाँ आकर के देखा गाड़ी में आग लगी हुई है। हमने अपनी कार्रवाई करी, आग बुझाकर पूरी रूप से बहुत मेहनत के साथ। सर कौन सी गाड़ी थी और किस तरह से आग लगी? कुछ गाड़ी का पता नहीं, सेंट्रो है, सेंट्रो गाड़ी। किस तरह से आग लगी कुछ अभी तक इसमें कोई जानकारी लगी? तो इसमें एलपीजी भी लगी हुई थी क्या? इसमें तो किस तरह से मतलब कितना गाड़ी में कितनी डैमेज हुई है कुछ इसमें जानकारी? कितनी देर में गाड़ी पर काबू पाया गया आपको? गाड़ी बुझाने का टाइम आधा घंटा या 25 मिनट।